घोड़े को ग्लूकोज चढ़ाया जा रहा है विद अ व्यू। ये है हाल यहाँ का, जो अदर ब्लॉग्स में आपको नहीं दिखता है। ओ भाई भागो भागो, यहाँ से पत्थर गिर रहा है। तो लोग फोटो देख के देख रहे हैं ना कि बहुत मजे हो रहे हैं, बिहाइंड द सीन ये है। चलो भाई ये देखो शॉर्टकट, आज अपन शॉर्टकट से जा रहा है यार। ये तो गलत है यहाँ से आना, उतरना मुश्किल है, चढ़ना जो लग रहा है आसान है उतरना ज़्यादा मुश्किल है। आराम से भैया, मैं नहीं लूंगा शॉर्टकट में। घोड़ों की वजह से इतनी गंदगी हो रखी है, इतना चलना मुश्किल हो गया है। जहाँ पानी कीचड़ होता है देख ही रहे होगा आप कितना गंदा है। ढलान पे घोड़ा करने में डर भी लगता है भाई, क्योंकि एकदम नीचे नीचे चलता है ना, और ढलान पे तो थकान भी कम होती है। जितना आज उतर आए इसके आधे में कल तो बिल्कुल अब जा रहे थे। देखो कितनी स्पीड में लिया जा रहा है। अब थोड़ी चढ़ाई है यहाँ पे, गौरीकुंड लगभग होगा 9 किलोमीटर अभी यहाँ से। पैदल ही उतरने का डिसाइड किया है क्योंकि कम मेहनत लग रही है, 1/4 आई। क्योंकि बस पैर ना फिसले वो ध्यान देना है, क्योंकि देख ही रहोगे कितना गीला हो रखा है हर जगह। और ये भैया घोड़े, घोड़ों ने अलग यहाँ पे गंदगी मचा रखी है, एक तो चलने नहीं देते हैं। ये देखो है उस बेचारे का पैर, देखो जख्मी हो गया इसलिए उसको छोड़ के चले गए। बहुत बहुत बुरा हाल है भाई, कुछ भी जितनी भी रील डाल लो भाइयों, घोड़ों की सेवा चलती रहेगी। जब तक यहाँ रोपवे नहीं आ जाएगा ना तब तक घोड़े चलते रहेंगे, क्योंकि रोपवे ही है जो बचा। पैर तीसरी बार मेरा मुड़ा ढलान में, यही ध्यान देना है। चलो बेटा जय बोले, खड़ी चढ़ाई है तो खड़ी ढलान भी है भाई। चलो दिखाते हैं आगे आपको। चौथी बार पैर मुड़ा मेरा। अरे यार क्या नाटक है भाई, थोड़ा बैठ लेता हूँ। एक और शॉर्टकट ट्रैक लेते हुए हम लोग, देखो इधर आराम से। तलवे दर्द हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन खैर चलो, कष्ट तो कष्ट है। उठाओ ये कुछ रेट लगाए देख लो भाई, वो गया पत्थर गिराया है। हाय मजा आ गया होगा। एकदम मजा आ गया, फर्स्ट वो गया पत्थर। फिर से पैर मुड़ा यार,
अरे यार पैर बहुत मुड़ रहा है यार। बढ़िया है स्टीप स्लोप। देख रहे हो भाई घोड़ों का हाल यहाँ पे। जय शिव शंभो। वो जाना है, वो देखो वहाँ रामबाड़ा का पुल है भी लंबा रास्ता। चलो लिटरली कोई मैनेजमेंट नहीं है यहाँ पे। एक आध पैसेंजर गिर जाएंगे। ये देखो यहाँ पे, यहाँ रेलिंग नहीं है और ये घोड़े वाले धक्का देते हैं उधर। कल यहीं पे हुई थी लड़ाई हमारी इस जगह पे। धक्का दे दिया था, निकलने नहीं दे रहा था। ये जो साइड में चलने आया उधर, कोई पाबंदी नहीं कुछ नहीं, जितने मना उतने घोड़े चल रहे हैं यहाँ पे। पालकी वाले भैया फुल स्पीड में आते हैं। ये जो डंडा है ना कंधे पे लग जाए, कंधा चला जाए भाई, सोच समझ के चलो। ये देखो सुना जा भैया, ये देखो ये सीन है यहाँ पे। हाँ जी आएंगे बहुत जल्द। लो भाई शुक्रिया। पड़ गया। चलो जय बोले, अच्छा लगा, मिलते हैं, बाय बाय। शॉर्टकट के चक्कर में डबल मेहनत और इतना डेंजरस, कोई मतलब नहीं है सब करने का। देख रहे हो कोई एक फिसला ना सब नीचे लुढ़ा गएंगे, सब एक भी नहीं रहेगा। देखो इतना बढ़िया व्यू है। वो है रामबाड़ा, कोई भी उतरने का नहीं बताता है। मैंने जितने भी ब्लॉग्स देखे हैं किसी ने भी ट्रैक डाउन का किसी ने भी नहीं डाला है, और जबकि ट्रैक डाउन मुझे लगता है कहीं ना कहीं ईजी एंड रिस्की है, बिकॉज देर आर चांसेस टू गेट स्लिप एंड आपके पैर भी मुड़ सकते हैं। बहुत अंडुलेशंस हैं पूरी रोड पे, और एक तो ये महाशय घोड़े लोग साइड दे दो साइड दे दो, मतलब यहाँ पे खड़े होंगे यहाँ पे आगे कहेंगे साइड दे दो, आदमी दीवार में घुस जाए प्लेटफॉर्म नंबर 9 में। लेकिन अभी तो चढ़ाई वैसी है नहीं, मेन चढ़ाई तो ऊपर है लिंचोली के बाद, वहाँ पे मजा आती है। Oh.
पानी उड़ डालना। ये देखो भाई यहीं फिसला था, मैं कल जब आ रहा था इसी सीढ़ी पे फिसल गया था। ओ भाई चढ़ाई, आई हेट स्टेयर्स। ये रामबाड़ा है, ये देखो वो एक छोटा सा लेक बना हुआ है और ये पहाड़ देखो। वो देखो वाटरफॉल, क्या व्यू है भाई। ये देखो ईश घोड़े को ग्लूकोज चढ़ाया जा रहा है विद अ व्यू, देख रहे हो। हॉस्पिटल हो तो ऐसा हो। देखो इसके पैर में चोट लगी है, ये देखो एक झरना, क्या खूबसूरत है यार। ओ भाई भागो भागो, यहाँ से पत्थर गिर रहा है, भागना पड़ेगा, जल्दी भाग भाग। अरे भैया ये भी होता है यहाँ पे भाई साहब, केदार बाबा। भाई साहब नॉन स्टॉप चला हूँ मैं आज, तो मेरे पैरों ने लग रहा है जवाब दे दिया है, मेरे दोनों तलवे भयंकर दर्द कर रहे हैं और उनकी उंगलियों में ऐसा ज़बरदस्त दर्द है मैं क्या ही बताऊं। और जो घुटने के पीछे मसल लिगामेंट जो भी बोलते हैं उसे, भाई वो ऐसा लग रहा है स्ट्रेच इतनी हो गई है। ओ भाई बहुत दर्द है। टाइम हो गया है 6:21, वो अभी लगभग गौरीकुंड 1.5 किलोमीटर होगा और मैंने गौरीकुंड 2 किलोमीटर लिखा है। और मैंने शुरू किया था उतरना केदारनाथ से 1:30 बजे। सांस तो मेरी ऐसे फूल रही है, समझ ही गए होगे आप क्या हाल होगा। जय भोलेनाथ। उतरना भी आसान नहीं है यार, लोग कहते हैं बट नहीं यार,
उतरने का कोई नहीं डालता है यार। सच्चाई तो यह है कि उतरना इज ऑल्सो एज मच एज डिफिकल्ट एज ट्रैकिंग अप। मेरी इवन इतना पसीना बह रहा है, मेरी जैकेट के बाहर से आ रहा है और जैकेट ये रेक्सिन वाली है। ओ भाई, अभी तो पीछे देखा ही आपने कैसे पत्थर गिर रहे थे। भाई 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 साहब, मेरे पैर, ओ बेनतहा दर्द है यार। यहाँ तो पिच ब्लैक डार्क हो रखा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है, कोई लाइट नहीं, कुछ नहीं। वहाँ जाके लाइट है सामने, और पीछे पूरा अंधेरा। गजब, जहाँ पैर मुड़ा मुड़ा, यहाँ पर टेंट किसने लगा रखा है। कमर में झटका लगा, मेरी हालत हो गई है डाउन। फाइनली पहुंच गए यार, पहुंच गए। कितने घंटे में? 6:40 हो गया, 1:30 बजे चले थे। फाइनली गौरीकुंड आ गया है। बहुत देर बाद, बहुत इंतज़ार के बाद अब जाऊंगा गर्म कुंड में, वहाँ पैर सेकूंगा मैं, फिर आगे जाऊंगा। ये जाके एक पुलिस चेक पोस्ट है यहाँ पे, उसके अलावा सीधे ऊपर है। हर हर महादेव। निकलो हर हर महादेव, जय भोले, चलो चलो। फिलहाल सुमो में बैठ गए गौरीकुंड टू सोनप्रयाग, 5 किलोमीटर, मिलते हैं आगे। जय बाबा। फिलहाल गौरीकुंड से सोनप्रयाग वाया टैक्सी आ गए हैं, और फिर पैदल थोड़ा चलना रहता है 1.5 किलोमीटर। भाई भूल जाओ, ये ऐसा गलत फहमी है कि सोचो कि गाड़ी मिल जाएगी, पैदल नहीं चलना पड़ेगा। भाई 1-2 किलोमीटर चलना ही पड़ता है, और मेरे पैर हो गए हैं जाम, अब मैं चल नहीं पा रहा हूँ लिटरली, बिल्कुल नसें खिंच गई हैं पूरी। ये देखो, अरे भाई, तो जाके अभी रूम ढूंढना है मुझे। सोचो टाइम हो रहा है 7:55 जो भी था, जो पहले मैं जो सोनप्रयाग में होटल में रुका था, चेकआउट कर दिया तो ऊपर चले गए, तो उसने कहा था फ़ोन कर देना, रख लेंगे। फ़ोन किया तो उसने कहा कि सब फुल हो गया है, तो फिर वापस जाके मुझे ढूंढना पड़ेगा। अमित तो और निकेत काफ़ी पीछे रह गए हैं, क्योंकि मैं नॉन स्टॉप चल रहा था। तो फिलहाल जब मैं टैक्सी में बैठा था तब वो गौरीकुंड से 2 किलोमीटर पीछे थे, तो अब ठीक है, देखते हैं आगे। तो भाई देखो, होटल आ गए हैं। अमित यादव मसाज चल रही, भैया जी मसाज कर रहे। भैया जी नाम बताइए अपना। गोविंदा। गोविंदा नाम है, नंबर भी बोल दीजिए ज़रा। 9877037736। ठीक है भैया, सोनप्रयाग में अगर आना तो ये भैया मसाज वाले हैं, इकलौते अकेले हैं यहाँ पे, करते हैं, बहुत बढ़िया मसाज करते हैं, आराम से आधा घंटा करते हैं पैरों की, फुल बॉडी भी करते हैं, जिसको जैसा सुविधा हो अपना कराएं। ऊपर तो भैया कोई कुछ नहीं मिलेगा, यहीं सोनप्रयाग में मिलेगा, तो आप डायल करिए, बाकी मैं नंबर लिख भी दूंगा। ठीक है, अभी अमित करा ले, उसके बाद हमारा नंबर है, फिर अनिकेत कराएगा। वो देखो लेटा हुआ। हाँ अमित को देखो हालत जो लोग फोटो देख के देख रहे हैं ना कि बहुत मजे हो रहे हैं, बिहाइंड द सीन ये है, देख लो। भाई चढ़ाई के बाद ना, जो चढ़ाई के बाद जो हाल है ना, लिटरली बड़ा भयंकर है यार। मेरा पैर खुद एकदम जाम हो चुका है। बस भोलेनाथ की कृपा है,
फटाफट सब हो गया है, बाकी देखते हैं कल क्या प्रोग्राम होगा। मिलते हैं आपसे, बाय बाय।